सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आज मैं आपको रेमिप्रिल टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए या फिर उन पेशेंट्स को भी ये टैबलेट दी जाती है जिनको हार्ट अटैक के कारण हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं या फिर डॉक्टर उन पेशेंट्स को भी ये टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं जिनकी एज 55 साल से ज़्यादा होती है और उनमें किसी कारण से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर डेथ के चांसेस रहते हैं, तब भी डॉक्टर इस टैबलेट को उन पेशेंट्स को ये टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रेमिप्रिल टैबलेट के बारे में फुल्ली डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आज की जो ये वीडियो है ये रेमिप्रिल टैबलेट के बारे में पूरी डेडिकेटेड वीडियो है और इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। और गाइज, जो रेमिप्रिल है इसके इंडिया में कुछ पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं जैसे कार्डेस, कारप्रिल, मैकप्रिल, रेमेज, जीरेम, रेमिवोक, एल्टेस, रेमिप्रेस, ट्राइटेस। ओके, तो गाइज, जो रेमिप्रिल है ये इन ब्रांड्स नेम का जेनरिक नाम है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन बेसिस के आधार पर रेमिप्रिल टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है और जब आप इस टैबलेट को खाते हैं तो ये शरीर में काम कैसे करती है, कैसे ये आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है, कैसे ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनके रिस्क को कम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस टैबलेट को लेने के बाद आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसकी स्पेशल प्रिकॉशंस क्या है। गाइज, इस टैबलेट को ऐसे ही प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिनके आधार पर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है और कुछ कंडीशन पर इसको प्रेस्क्राइब नहीं करना होता। तो इस वीडियो में आपको फुल्ली डिटेल में बताऊंगा, तो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको रेमिप्रिल के बारे में बता देता हूँ कि आखिर रेमिप्रिल होता क्या है। तो गाइस, रेमिप्रिल एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, मतलब कि जो एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये उनको ब्लॉक कर देती है। साथ ही गाइस, जो रेमिप्रिल है ये एक प्रोड्रग है। अब प्रोड्रग का मतलब है कि सपोज करें कि जो आप गेहूं का आटा, कच्चा आटा लेते हैं उसको पकाने के बाद वो रोटी में बदलता है, इसी प्रकार जब आप रेमिप्रिल टैबलेट को खाते हैं, खाने के बाद जो ये मेटाबॉलिज्म होती है, जो शरीर में ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद ये रेमिप्रिलेट में बदलती है। तो इस प्रकार गाइज, ये रेमिप्रिल है ये एक प्रोड्रग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शरीर में काम कैसे करती है, कैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और जो अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनसे हमें बचाती है। तो गाइज, इसका जो काम है, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ये उनके डायामीटर को डायलेट कर देती है, मतलब कि सपोज करें कि आपका जो ब्लड है वो यहाँ से इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो अगर आपका ब्लड वेसल्स का डायामीटर इतना है तो ये उसे डायलेट कर देती है और इतना डायामीटर हो जाता है और जो ब्लड है वो ईजिली फ्लो होता है। ओके, तो रेमिप्रिल ऐसे काम करती है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है गाइज इसका, तो ध्यान से सुनिएगा। तो गाइज, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको समझने के लिए आपको रास सिस्टम का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो रास है वो मैं आपको ईजिली समझाऊंगा। ओके, तो गाइज, जो रास सिस्टम है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये सिस्टम शरीर में तब एक्टिव होता है जब किसी भी व्यक्ति का सामान्य से कम ब्लड प्रेशर होता है, मतलब कि हाइपोटेंशन होने की कंडीशन में सामान्यतः रास सिस्टम एक्टिव होता है। और इस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे गुर्दे हैं, जो किडनी हैं, वो रेनिन को प्रोड्यूस करती है ब्लड स्ट्रीम में, और रेनिन गाइज एक तरह का एंजाइम है, लेकिन आपको कहीं कहीं ये हार्मोन भी पढ़ने को मिल सकता है या फिर आप सर्च करेंगे तो कहीं कहीं आपको ये हार्मोन भी पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसे हार्मोन भी समझ सकते हैं, लेकिन गाइज ये एक तरह का एंजाइम होता है जो जो हमारे गुर्दे हैं, जो हमारी किडनी है वो प्रोड्यूस करती है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद गाइज लीवर से एक एंजाइम आता है जिसे एंजियोटेंसिनोजेन बोलते हैं और ये दोनों मिलकर एंजियोटेंशन 1 को बनाते हैं।
ये बनने के बाद गाइस जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो एंजियोटेंशन 1 है ये एंजियोटेंशन 2 में बदल जाता है। और यहाँ पर एंजियोटेंशन 2 में बदलने के बाद गाइस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, तो ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है ये भी मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ। तो गाइस जो हमारा ब्लड प्रेशर है, मतलब कि जिस व्यक्ति में RAS सिस्टम एक्टिव होता है, उसमें 3 कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब कि जो एंजियोटेंशन 2 है ये 3 चीज़ों पर इफ़ेक्ट करता है। पहला है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पर इफ़ेक्ट डालता है, जिससे व्यक्ति को प्यास लगती है और पानी पीने की इच्छा होती है। दूसरा, जो उसके ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज करें कि अगर ब्लड वेसल्स इतने हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नैरो होकर इतने हो जाएंगे, जिससे पेशेंट का या व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो तीसरा है गाइस, वो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं ये उनको जाके स्टिमुलेट कर देता है, जिससे एल्डोस्टेरोन बनता है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है गाइस, ये शरीर में जो वाटर है, जो पानी है और जो सोडियम है, उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये तीनों चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, जो व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, जो हमारा रेमिप्रिल है। ओके, तो रेमिप्रिल मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। तो जो लंग से एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम बन रहे थे, जो प्रोड्यूस हो रहे थे, ये उनको जाके ब्लॉक कर देता है। तो अब क्या हुआ कि जो रेनिन गुर्दों ने बनाया था, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा, और जो लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन बने, और यहाँ पर एंजियोटेंशन 1 का ही निर्माण हुआ। आगे की जो प्रोसेस थी, जो क्रिया थी, वो हुई नहीं। इस प्रकार जो व्यक्ति है उसे ना तो प्यास लगी, ना पानी पीने की इच्छा हुई, ना ही उसका ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और ना ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ा। तो इस प्रकार जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है। ओके, तो ऐसे ये जो टैबलेट है काम करती है। अब मैं आपको इसकी डोसेस के बारे में फटाफट बता देता हूँ। तो गाइस जो इसकी डोसेस है वो मार्केट में 1.25 mg से लेकर 10 mg के बीच में अवेलेबल है। कैप्सूल फॉर्म और टैबलेट फॉर्म में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सामान्यतः इसकी कितनी डोज दी जाती है। तो गाइस सामान्यतः इसकी जो डोज है 2.5 mg की दिन में 2 बार पानी के साथ दी जाती है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं इस टैबलेट को। और साथ ही गाइस कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसकी जो डिजीज़ हिस्ट्री है, वो कौन कौन सी टैबलेट ले रहा है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, और जो उसका BMR, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको ध्यान में रखकर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो आप अपनी जो डॉक्टर हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें, और वही आपको अच्छे से प्रॉपरली बताएंगे कि इस टैबलेट की कितनी डोज होनी चाहिए। और ये डॉक्टर का ही काम है, आप खुद सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टैबलेट के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस ये एक दवाई है और हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। तो इस टैबलेट को लेने पर आपको जो सिर है वो दुख सकता है, या फिर कई लोगों को डिजीनेस हो सकते हैं, मतलब कि चक्कर आ सकते हैं, कई लोगों को ड्राई कफ की शिकायत हो सकती है, मतलब कि सूखी खांसी हो सकती है, या फिर कई लोगों को नोज़िया हो सकता है, मतलब कि जी कच्चा हो सकता है, या फिर डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, कई लोगों को रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि ये एक हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने की टैबलेट है, इसलिए कई लोगों का ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो सकता है, मतलब कि हाइपोटेंशन हो सकता है, हार्ट रेट है वो फ्लैक्चुएट होती है। एंजियोडीमा भी गाइज इसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अब गाइज मैं आपको इसके कुछ सीरियस जो कि रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज इस टैबलेट को यूज़ करने पर आपको जो आपका फेस है वो सूज सकता है, या फिर आपके गले में स्वेलिंग आ सकती है, या फिर बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। मतलब कि ये जो टैबलेट है गाइज इसको प्रेगनेंसी के टाइम बिल्कुल भी प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि इससे बर्थ डिफेक्ट भी देखने को मिलता है, इसलिए कभी भी इसको प्रेगनेंसी के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है तो गाइज इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे लीवर और किडनी की प्रॉब्लम भी होती है। आपको सीरियर रैशेस भी गाइज इस टैबलेट के कारण हो सकते हैं।
कई लोगों में हियरिंग लॉस भी हो जाता है, मतलब कि लोग अपने की अपनी सुनने की क्षमता को भी गवा देते हैं। और इस टैबलेट के यूज़ से गाइस लाइट सेंसेशन भी होता है। तो ये कुछ इसके रेयर जो कि सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आप गाइस इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में भी बता देता हूँ जो कि इस प्रकार हैं। तो गाइस जो सबसे पहला इसका स्पेशल प्रिकॉशन है गाइस वो ये है कि अगर आपको एक किडनी में या दोनों किडनी में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है तो गाइज भूल कर भी इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। साथ ही गाइज अगर आप एक प्रेग्नेंट वूमेन हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तब भी इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना चाहिए। एंजियोडीमा होने की कंडीशन में भी गाइज इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तब भी गाइज इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करती है और ऐसी कंडीशन में अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, कोमा जैसी स्टेज भी हो सकती है। साथ ही गाइज ये टैबलेट ब्लड पोटेशियम लेवल को भी बढ़ा देती है, इसलिए अगर आपको हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम है मतलब कि आपका जो ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तब भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। तो गाइज़ ये कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस थी जो कि मैंने आपको बताई है। तो गाइज़ आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो गाइज़ ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।